नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीबीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कंडक्टर चेंजेस एन ईएमएफ is induced in the conductor। जो induced EMF होता है, the induced EMF is proportional to the rate of change of linked flux with the conductor। It is also proportional to the number of conductor और नंबर ऑफ टर्न्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर में हम बात करें, एन इज नंबर ऑफ कंडक्टर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इफ देयर इज ओनली वन कंडक्टर देन डीफाई बाई डीटी, वेयर डीफाई बाई डीटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड फ्लक्स है। डीफाई बाई डीटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड फ्लक्स विथ द कंडक्टर माइनस साइज साइन सिंबलाइजेस द करंट द डायरेक्शन ऑफ the current as a result of induced EMF will oppose the very cause producing the EMF। तो ये जो चेंज इन फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, वो आता कैसे है? ये आता है कंडक्टर के मोशन के चलते या फील्ड और कंडक्टर के रिलेटिव मोशन के चलते। रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड कंडक्टर के चलते ही आता है। इसको स्पीड ईएमएफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन के चलते हुआ है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईएमएफ जो ट्रांसफॉर्मर में होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल ईएमएफ होता है, वो क्या होता है? वो स्पीड के चलते नहीं होता है। दो वाइंडिंग में फ्लक्स लिंक होता है और वो लिंक फ्लक्स चेंज होता है, तो वो जो ईएमएफ होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, और ये ईएमएफ होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर कंडक्टर। तो जो माइनस साइन है वो सिंबलाइज करता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द वेरी कॉज प्रोड्यूसिंग इट, प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। वो कॉज क्या है? रिलेटिव मोशन।
बिटवीन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर कंडक्टर, इसको लेंज लॉ भी बोलते हैं। ये सब चीजें हमने कई बार पढ़ ली हैं, तो दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल, लेकिन हम बेसिक से बात करना चाहते हैं। तो अभी हमने फैराडेज लॉ की बात करी, अभी इसी फैराडे लॉ के हिसाब से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन देखेंगे और कैसे सिंपलेस्ट डीसी जनरेटर में करंट वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है और करंट कैसे फ्लो होता है वो हम देखेंगे। अभी हम सिंपल बात करते हैं कि हमारे पास एक क्वाइल है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास ये फोर फिगर्स हैं, तो इस फिगर में नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो इट इज अज्यूम्ड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है इनिमेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स टू साउथ पोल। तो ये निकल रहा है नॉर्थ पोल से और इंटर हो रहा है साउथ पोल को, क्लियर। तो फिगर फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो कंडक्टर, कंडक्टर का नाम भी कर देते हैं ए बी, एंड दिस कंडक्टर इज सी एंड डी, अगेन दिस कंडक्टर, इसके रोटेशन का डायरेक्शन है इधर। तो दूसरे फिगर में ये रोटेट होके ए यहां आ गया और बी यहां आ गया और डी ए और सी ए, उसी तरह से ये अगेन रोटेट होके ये ऊपर आ गया डी और सी और ए और बी, फिर अगेन ये ए और बी सी और डी, क्लियर। तो हम बात करें कि जो इसके, इसको हम बाहर से रोटेट करवा रहे हैं, ये हमारा जनरेटर का एक मिनी मॉडल है जिसमें ओनली टू कंडक्टर है और परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ का एक पोल पेयर है, तो फ्लक्स निकल रहा है नॉर्थ से और साउथ को इंटर हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं तो जो फ्लक्स का कटिंग हो रहा है, फ्लक्स का लिंकिंग हो रहा है, फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ द कंडक्टर ए बी एंड सी डी, बट देर इज नो कटिंग। व्हाई देर इज नो कटिंग? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज दिस एंड द कंडक्टर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो कटिंग यहां पे नहीं हो रहा है। यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम चेंज इन फ्लक्स। इन दिस कंडीशन मिनिमम कटिंग ऑफ फ्लक्स, कटिंग ऑफ फ्लक्स मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसके साथ जो कटिंग हो रहा है फ्लक्स का वो नहीं हो रहा है। और अगेन हम बात करें तो इस कंडीशन में मैक्सिमम लिंकेज ऑफ फ्लक्स, अब ये रोटेट होके सी डी आर्म, क्वाइल पूरा फ्लैट हो गया, दिस इज सी डी आर्म, दिस इज ए बी आर्म, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब जो कटिंग होगा, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, इसके घूमने का डायरेक्शन है, तो अब कटिंग मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में फ्लक्स कटिंग, मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि फ्लक्स कटिंग के रेट पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स कटिंग एक ही बात है, वो सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिगर थ्री की। फिगर थ्री में कंडीशन उल्टा हो गया, ए बी ऊपर से नीचे हो गया और सी डी ऊपर हो गया,
लेकिन यहां भी जो फ्लक्स का लिंकिंग तो हो रहा है लेकिन कटिंग हो रहा है, मिनिमम फ्लक्स कटिंग या चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स कटिंग यहां पे हो रहा है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मिनिमम, यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। अब हम इसकी बात करते हैं, फिगर टू और फिगर फोर में क्या डिफरेंस है। फिगर टू और फोर में डिफरेंस है कि आर्म अपोजिट है, ए बी आर्म इज नाउ दिस साइड एंड सी डी आर्म इज दिस साइड, इसमें आर्म का डिफरेंस है। तो इस वाले कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एंड मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसमें हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे और राइट हैंड पाम रूल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें कि इसके ईएमएफ को हमें ड्रॉ करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंडक्टर में, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हम पोजिशन वन की बात कर लेते हैं, फिगर वन की बात करते हैं, ये पॉइंट फिगर वन है, तो फिगर वन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मिनिमम जीरो, इससे हम, दिस इज आवर ए बी आर्म एंड बॉटम इज सी डी आर्म, तो अब ये 90 डिग्री जब रोटेट हो रहा है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम ई मैक्स, पोजीशन हेयर इज, इसका पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन। पोजीशन थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मिनिमम है, और पहला पोजीशन का अपोजिट पोजीशन हो गया, ए बी आर्म इज बिलो एंड सी डी आर्म इज अबव, तो ये कंडीशन हो गया 180 डिग्री का, थर्ड पोजीशन, हेयर द एंगल इज 90 डिग्री, हेयर एंगल इज 0 डिग्री, हेयर द एंगल इज 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं फिगर फोर की, तो फिगर फोर यहां से टर्न हो गया, सी डी आर्म ऊपर था, ए बी आर्म नीचे था, अभी ए बी आर्म अगेन 90 डिग्री टर्न हो गया, तो 90 डिग्री टर्न हो गया और यहां पे ईएमएफ मैक्सिमम है इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो इस पोजीशन को हम लिख सकते हैं माइनस ई मैक्स, माइनस ई मैक्स, और ये कौन सा पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, अगेन पोजीशन, और ये एंगल कितना है 270 डिग्री। अगेन हम फिफ्थ पोजीशन या वन पोजीशन की बात करें, पांचवा पोजीशन या पहला पोजीशन, एक ही पोजीशन है, पहला पोजीशन लिखते हैं, अगेन ये रोटेट होके ए बी ऊपर आ जाएगा, तो इस केस में होगा एंगल 360 डिग्री। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह से होगा, सिनुसाइडल होगा आर्मेचर कंडक्टर में, करंट इंड्यूस्ड विल बी एसी इन नेचर इन आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विल बी, बाहर सर्किट कनेक्ट करते तो करंट फ्लो होगा इसमें, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा एसी नेचर का, ऑफ एसी नेचर। तो ये हमने इतना बात किया कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसको डिलीट करके डायरेक्शन की बात करने के लिए, कि यदि करंट इसमें फ्लो होगा, एक्सटर्नल सर्किट में लोड है तो करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जनरेटर के लिए है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज अबाउट, वेरी बेसिक चीजें हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंड योर थ्री फिंगर,
इंडेक्स फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर. इफ द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. लिख सकते हैं, लिख के तो इन डिटेल हम इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं. वेरी इजी. एक्सटेंड योर थ्री फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड रूल है. योर एक्सटेंड योर थंब, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ध्यान रखना है, यहां पे आर्मेचर कंडक्टर है. मोशन ऑफ मैग्नेट की बात नहीं हो रही है, मोशन ऑफ फील्ड की बात नहीं हो रही. मोशन ऑफ फील्ड भी हो सकता है, तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल मशीन. ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर ही है ओनली. एंड इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये हो गया फ्लेमिंग रूल. उसके आधार पे इसमें हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे. इसको डिलीट करते हैं. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे इसमें. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन इनवर्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट. इनवर्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट. तो सेम लॉजिक यदि अप्लाई करेंगे लोअर कंडक्टर के लिए तो इसमें आउटवर्ड करंट होगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. यहां हम अप्लाई करेंगे दाव, यहां पे मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फिर भी यहां अप्लाई करेंगे तो हमें दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स. तो अगेन करंट विल बी इनवर्ड, करंट विल बी आउटवर्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगेन इन दिस केस ऑल्सो अप्लाइंग सेम मेथड, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. अप्लाइंग द सेम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सॉरी दिस विल बी नेगेटिव and this will be current coming out of a terminal will be positive, current coming out of the terminal will be positive, current going into the conductor will be negative. So what we are observing is ki jo upper part hai wo is case mein upper part hamesha negative hai in all the figures. To hum yahan pe ek split ring jisko कम्यूटेटर भी बोलते हैं, यहां पे एक स्प्लिट रिंग लगा दिया हमने. अगेन यहां पे भी हमने स्प्लिट रिंग लगा दिया, अगेन यहां पे भी हमने स्प्लिट रिंग लगा दिया, यहां पे भी स्प्लिट रिंग लगा दिया. ये स्प्लिट रिंग कंडक्टर के साथ रोटेट हो रहा है, लेकिन जब भी स्प्लिट रिंग ऊपर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है. जब भी ये लेफ्ट हैंड साइड या ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है. मतलब कि यहां पे हम एक ब्रश रख दें तो दिस ब्रश विल ऑलवेज बी नेगेटिव, एंड यहां पे ब्रश रख दें तो दिस ब्रश विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल द केसेस. और यहां से बाहर हम लोड देंगे तो वो लोड हमें डीसी लोड मिलेगा. मतलब कि ये जो स्प्लिट रिंग है और ब्रश का कॉम्बिनेशन है, इससे हमको मिल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में डीसी सप्लाई मिल रहा है. वेयर एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सिंपल डीसी जनरेटर इज एसी नेचर का हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में हमें डीसी मिल रहा है. तो ये तो हो गया टू पार्ट का स्प्लिट रिंग हो गया, लेकिन मेनी सिगमेंट, इस दो सिगमेंट का स्प्लिट रिंग हो गया.
मिनी सेगमेंट का जो स्प्लिट रिंग होगा उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। दिस इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ऑफ टू सेगमेंट। तो कम्यूटेटर होता है कंसिस्ट्स ऑफ मिनी सेगमेंट्स। व्हाट इट डज, कम्यूटेटर कन्वर्ट्स द एसी ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ इनटू डीसी वोल्टेज। इसका मतलब कम्यूटेटर रोटेट भी होता है, रोटेटिंग विद कंडक्टर। कम्यूटेटर इज अ रोटेटिंग रेक्टिफायर। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर दिस इज रोटेटिंग इन्वर्टर, इन केस ऑफ डीसी मोटर। तो यहां तक हमें क्लियरली समझ में आ गया। अभी हम एक और फिगर की बात करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, इससे सिंपल एक है राइट हैंड पाम रूल। व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? एक्सटेंड योर पाम ऑफ योर राइट हैंड, द थंब, इफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर एंड ऑल द फिंगर्स ऑफ योर पाम इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन द पाम, this face of the palm will indicate the direction of current due to induced EMF. इसका ये मतलब हुआ कि यदि palm का face upward है तो current will be upward, palm का face downward है तो current will be downward. तो Fleming right hand rule जहां पे लगाना awkward है वहां पे हम right hand palm rule apply कर सकते हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो करंट है उसका डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी समझ जाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी समझ जाएंगे। ये हमारा फील्ड है, फील्ड में दो पोल हैं और ये आर्मेचर है। तो फील्ड की वाइंडिंग हम कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि वाइंडिंग सीरीज में था। दोनों फील्ड किस तरह से था? सीरीज में था। अभी इसको हमें नॉर्थ पोल बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है तो इसमें से फ्लक्स बाहर निकलना है, और राइट हैंड ग्रिप रूल से इसमें करंट को फ्लो हमें इस तरह से करवाना है। अब ये इस पोल से फ्लक्स बाहर निकलेगा तो दिस पोल विल बिकम नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और साउथ पोल बनाना है तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा और इसमें फ्लक्स इंटर करेगा, तो ये हो जाएगा दिस इज, तो ये हो जाएगा साउथ पोल। और ये आर्मेचर है, आर्मेचर, आर्मेचर स्लॉट में ऑन दी आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग है ये। इसको दिखाने के लिए हमें नॉर्थ साउथ को दिखाने के लिए इस तरह से दिखाते हैं। ये वाइंडिंग क्रॉस सेक्शन वाइज हम इस तरह से दिखाते हैं, इधर करंट एंटर हो रहा है, इधर से करंट निकल रहा है। इस वाइंडिंग में तीनों वायर में करंट निकल रहा है इधर से, तो इसको हम डॉट देते हैं और इसको हम क्रॉस देते हैं, तब ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। सिमिलरली हम बात करें इसका, तो इन तीनों वायर से करंट निकल रहा है और इधर एंटर हो रहा है, तो ये बन जाएगा साउथ पोल। अब हम बात करें कि फ्लेमिंग राइट हैंड की या राइट हैंड पाम रूल की आर्मेचर रोटेट कैसे हो रहा है। सपोज कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसमें आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन हमें डिटरमिन करना है।
तो करंट के डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहां पे लगाएंगे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इनवर्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल के पास हम लगाते हैं तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड होगा मतलब यहां इन सबों पे क्रॉस लगेगा, नॉर्थ पोल के पास क्रॉस इंड्यूस्ड होगा यदि डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो, और साउथ पोल के पास डॉट होगा। अभी आप राइट हैंड पाम रूल लगा के भी देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डीसी जनरेटर का क्लियरली देख लिया। धन्यवाद।